जी नमस्कार, हम राजा और आप लोग देख रहे हैं यापन चैनल झलको चंपा। आज अपने के लिए क्या बनी मोतिहारी जिला के अरे राजन मंडल में जवन की अरे राज के वरीय पदाधिकारी सीओ एसडीओ बीडीओ साहब के नेतृत्व में जवन की अरे राज के सरकारी जमीन अतिक्रमण के जवन की हटाव के कार्य हो रहा बा। अपने के पूरा अरे राज में जे भी पदाधिकारी गण बानी वहाँ के जौन की बहुत अच्छा काम इस समय अपने अरे राज के लिए हो रहा बा। जौन की यातायात के लिए चाहे जे भी पब्लिक मार्केट में जा रहा बाटे और अतिक्रमण से परेशानी जौन की हो रहा बा हमारे बिहार के लोग के, खास करके अपना गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र के लोग के, ओकरा खातिर अरे राज के वरीय पदाधिकारी लोग के द्वारा और थाना के नेतृत्व और बीडीओ साहब सीओ साहब के नेतृत्व में अतिक्रमण हटावे के काम बहुत अच्छा जौन की न्यूज अपने के सामने आ रहा बा। भैया लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करी और जे भी वीडियो के देख रहा बा अपने के हल्दिया चौक के पास से जौन की ओम स्वीट हाउस और डीएसपी गेट के सामने से जौन की सड़क जा रहा बा। इस सड़क के अतिक्रमण जौन सामने अपने जेसीबी देख रहा बानी, ये नगर परिषद अरे राज के जेसीबी बा और यही से जौन की अतिक्रमण हटावे के काम जौन की चल रहा बाटे। और अरे राज ना पूरा पूर्वी चंपारण ताकि पूरा बिहार के लोग खातिर ये बहुत एक अच्छा काम बाटे और एक सही जौन की तरीका पर चल रहा बा। ये सब बिहार के सरकार और बिहार के जो भी पदाधिकारी गण बा एक अच्छा तरीका पर और एक अच्छा जौन की सुलेशन जौन की अपने सामने अपने बिहार के देखे के मिल रहा बा और खास करके अरे राज मंडल के लोग के मिल रहा बा कि जौन भी अतिक्रमण इस समय अरे राज में दिखाई दे रहा बा। एल्वेस्टर गिरा करके हर एक जगह जौन की बात जगह चेक करके लोग के गाड़ी रखे के जगह नहीं खेल, लोग के पार्किंग आवे जाए के जगह नहीं खेल, वो जगह के जौन की पुलिस द्वारा और वरीय पदाधिकारी जिलों के द्वारा जौन की हटावे के कार्य चल रहा। अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब ना करे तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन जरूर दबाई। और भैया लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिया ताकि अगला वीडियो में भी हमारा के प्यार दुलार मिले। और भैया लोग जो भी पूर्वी चंपारण से अपने न्यूज के देख रहा बानी, अपने के पंचायत में या अपने के क्षेत्र में कोनो प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम सामने आ रहा बा तो हमारा से अपने के संपर्क कर जाओ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा जाओ, हम अपने के जौन की बात के उजागर करब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाए।